मित्रों, कई महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अक्सर आप देखते होंगे कि मैं अपने वीडियो में ये तो बताता हूँ कि आखिर समस्या क्या है और किस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसका उपाय क्या है, उसका उपचार क्या है। आखिर हिंदू धर्म का जो पतन हो रहा है लगातार, हिंदू धर्म जिस तरह लगातार खतरे में है, आखिर इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए आखिर ज़रूरत क्या है, इसकी भी आज हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन हम प्रमुख रूप से आपसे तीन विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय तो गुजरात में एक घटना नवसारी की है, जहां पे कि एक लव जिहादी को क्रूर सजा दी गई है। हालांकि जी उसने कृत्य किया वो तो बहुत घिनौना कृत्य किया है और उसके मुताबिक सजा नहीं है, फिर भी जो सजा दी गई है उसके बारे में बताएंगे आपको। इसके अलावा दूसरी हमारी जो घटना होगी, दूसरी हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मामले की जिसमें कि एक मौलाना है जो कि योगी और मोदी को भी एक तरह से सीधे सीधे धर्मांतरण की बात कह रहा है, उनको निमंत्रण दे रहा है कि जो है तुम मुसलमान बन जाओ। इस तरह से हमारे देश के अंदर ही समान नागरिक संहिता की जो चर्चा चली है उस पर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, एक तो हम बात करेंगे। और तीसरी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का जो केस है, प्रवेश शुक्ला वाला केस, जिसमें कि उसने एक आदिवासी युवक पर जो है मूत्र विसर्जन किया था। तो अब वो घटना तो जो थी वो हो गई, लेकिन एक आत्मचिंतन का विषय है कि ब्राह्मणों की स्थिति क्या है उस पर, कि भाई ब्राह्मण वर्ग जो है उसकी जिम्मेदारी क्या है और वो कर क्या रहा है, और इससे जुड़ी एक बहुत ही रोमांचकारी इतिहास आपको हम बताएंगे। और इसी में आपको वो प्रेरक प्रसंग छुपा होगा जिससे कि हिंदू धर्म एक बार फिर से उसका उत्थान हो सकता है, हिंदू धर्म को बचा सकते हैं, तो उसके क्या कारण होंगे इसके बारे में आपसे आगे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे गुजरात के नवसारी की घटना से। मित्रों, गुजरात के नवसारी में नजीम शेख नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र जो है लगभग 37 साल थी। वो एक बाल बच्चेदार व्यक्ति था, लेकिन 5 साल पहले उसने 16 साल की एक हिंदू लड़की का रेप किया था। और उसने जब रेप किया तो उसने अश्लील वीडियो भी उसका बना लिया था, उसका MMS बना लिया था। और लगातार 5 सालों से वो उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, उसका यौन शोषण कर रहा था। और जब भी वो लड़की कहती थी, उस इनकार करती थी, तो वो उसको उसके अश्लील वीडियो को दिखाता था कि देखो ये तुम्हारा वीडियो है, तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, तो वो चुपचाप लड़की बैठ जाती थी। इस तरह से ये घटना लगातार 5 साल से हो रही थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो बात है वो ये है कि इस लड़की का जब रिश्ता आया इसकी शादी के लिए, तो इसने नजीम शेख ने उसके मंगेतर को इसका अश्लील वीडियो भेज दिया और इसकी जो सगाई थी वो तोड़वा दी। और इसके अलावा बहुत चालाकी से इसके ऊपर कोई लव जिहाद का आरोप न लगे, इसीलिए नजीम शेख नाम के इस व्यक्ति ने एक रौनक पटेल नाम के अपने दोस्त से इस लड़की की, जो लड़की पीड़ित थी, इसकी शादी करवा दी। यानी कागज पर तो जो लड़की थी उसका जो पति था वो रौनक पटेल था, लेकिन उससे जो शारीरिक संबंध था, अवैध रिश्ते जो थे, वो नजीम शेख उससे बना रहा था। आप सोचिए कि उसने अपने हिंदू दोस्त से दोस्ती करके उसका किस तरह से दुरुपयोग किया। और जो रौनक पटेल है उसके बारे में 4-4 लाइन यहां जरूर लिख दीजिएगा यूट्यूब अपने कमेंट्स करके, कि इस तरह के जो लोग होते हैं, मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, जो कि अपने धर्म की लड़की का रेप करवा रहे हैं शादी करके उससे, जरा उसके बारे में 2-4 शब्द जरूर लिख दीजिएगा नीचे यूट्यूब पे, आपसे निवेदन है। तो ये जो मूर्खता की, ये तो की रौनक पटेल ने, उसका उपयोग किया नजीम शेख ने। और इसके बाद जो है वो लगातार उसके साथ तक 5 साल तक उससे रेप कर रहा था। और आखिरकार ये मामला खुला, ये भंडा फूटा सारा और मामला पुलिस तक पहुंचा, तो पुलिस ने जो कार्रवाई की वो तो आप आगे बताएंगे। लेकिन प्रमुख बात इसमें ये है कि जो अदालत, देश की अदालतें जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। मित्रों, इस व्यक्ति पर जो है एक व्यक्ति की, नजीम शेख पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था और ये व्यक्ति जेल में था और ये पैरोल पर छूट के आता था। यानी आप सोचिए कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के जो कुछ अंग हैं, मुझे लगता है शायद कि ये निचली अदालत ने इसको पैरोल दी होगी, तो जो न्यायपालिकाएं हैं वो आखिर किस तरह से अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं, हम ये कहें हमें दुख हो रहा है कहते हुए, लेकिन ये सच है। अगर आप जो है मर्डर के एक आरोपी को पैरोल दे रहे हैं और वो पैरोल पर जाकर के लव जिहाद का केस कर रहा है, एक दूसरी आपराधिक घटना कर रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप सीधे सीधे आप जो है न्यायपालिका होकर के आप अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, इसका यह मतलब है। तो जिस जज ने भी, मैं पूरी न्यायपालिका पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस जज ने इस नजीम शेख को पैरोल दी थी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। यह तो पहली हमारी एक डिमांड है। इसके अलावा
अगर हम देखें तो इस मामले में फिर क्या होता है, पुलिस जो है वो जब ये जानकारी मिलती है, केस दर्ज होता है, तो जो गुजरात की नवसारी की पुलिस है वो एक्शन लेना शुरू करती है। और उस समय ये जो नजीम शेख है ये भागकर मुंबई चला जाता है, तो वहां पर जाकर के नवसारी की पुलिस मुंबई में इसको अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद इसको नवसारी लेकर आती है, और तब वहां पर इसको जो है रस्सियों से बांधा जाता है। रस्सियों से बांध करके इसको सड़क पर जो है घुटने तक इसको लिटाया जाता है, और कहा जाता है कि घुटने टेक कर माफी मांगो। तो उसके बाद ये घुटने टेक कर माफी मांगता है, इसका वीडियो भी मौजूद है। और इसके बाद जो मुस्लिम समाज की जो महिलाएं होती हैं उनसे भाई थाली, वो थालियां बजाती हैं कि ये जो काम हुआ है अच्छा काम हुआ है, तो थाली उनसे उन्होंने खुद बजाई कि थाली उनसे बजवाई गई, जो भी है। लेकिन इस तरह के जो केस होते हैं, इस तरह के जो मामले होते हैं, उसमें महिलाओं का रोल बहुत अहम होता है। क्योंकि अगर ये नजीम शेख एक इसकी पत्नी भी थी, इसके बच्चे भी थे, तो आखिर इसकी पत्नी ने, इसके बच्चे ने, इसके परिवार ने इसको रोका क्यों नहीं, इसने मना क्यों नहीं किया, इसकी पत्नी ने क्यों नहीं मना किया। तो ये बहुत ही अहम मामले हैं, इनको बहुत गंभीरता के साथ समाज में जो चल रहा है उसकी सच्चाई को समझना चाहिए और तब आगे बढ़ना चाहिए। और रौनक पटेल जैसे जो मूर्ख हिंदू होते हैं, जो सेकुलर हिंदू होते हैं, जो दोस्ती करते हैं और दोस्ती के जरिए जो है हिंदू लड़कियों का रेप करवाते हैं, उनके ऊपर दो दो टिप्पणी आपको जरूर करनी है मित्र, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे एक ऐसे मौलाना की जिसका बयान जो है वायरल हो रहा है। मित्र ये मौलाना है, और ये मौलाना ये साफ साफ कह रहा है कि 2014 से अब तक जो है इस देश के अंदर 20 लाख नए मुसलमान बने, यानी 20 लाख और हिंदुओं को इसने कन्वर्ट किया है, ये दावा कर रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड छोड़ दो, हमारा जो कानून है शरीयत का कानून पूरे देश में लागू होगा, जैसे हमने अफगानिस्तान में लागू किया है वैसे ही लागू करेंगे। और ये भी कहा उसने कि मोदी योगी को हम एक तरह से निमंत्रण दे रहे हैं दीन का कि वो आकर के इस्लाम ग्रहण करें। तो इस तरह की बातें ये मौलाना कह रहा है, जरा देखिए सुनिए एक बार। मतलब मैं दावत देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी जी को कि मतलब योगी जी और मोदी जी को, क्योंकि ये लोग अगर कन्वर्ट हो गए तो बहुत कुछ मतलब सुधर जाएगा। अभी तक मतलब काफी 20 लाख मुसलमान हो चुके हैं, 2014 का आप डेटा निकाल के देखिए, 2014 से अभी तक 20 लाख मुसलमान, 20 लाख मुसलमान देश भर में मतलब इंडिया में। सिर्फ हमारा तो शरिया कानून है, हम तो उसी कोशिश में है कि शरिया कानून लागू हो, तो हमारा मेन फोकस तो शरिया कानून पे ही है। कोशिश तो जारी है ना, इंशाल्लाह शरिया कानून आएगा। जैसे आप अफगानिस्तान में देख लीजिए काबुल में क्या हुआ, वहाँ पे सब शरिया कानून लागू हुआ, अमेरिका थी वहाँ पे सबको भगा दिया। तो मित्रों आपने सुना, धर्मांतरण जो है वो देश के लिए, हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे ईसाई धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, इन सभी जो मजहब पंथ हैं, इन लोगों ने हिंदू धर्म को एक तरह से कच्चा माल समझ लिया है कि ये कच्चा माल है, इसको हम ले लेंगे और जिस तरह हम चाहेंगे उस तरह को कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और मेरी सरकार से ये अपील है कि धर्मांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, धर्मांतरण पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए, और घर वापसी को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि घर वापसी के ऊपर तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो ये धर्मांतरण चल रहा है इसके ऊपर हमको प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि ये धर्मांतरण आज मणिपुर में समस्या जो हो रही है, आज मणिपुर में जिस तरह से ईसाई वहां पे जो कुकी और ये सब मतई चल रहा है वहां पे, ये सीधे सीधे इसके मूल में जो है धर्मांतरण की समस्या है। अगर वहां पे इतना बड़े पैमाने पे धर्मांतरण ना होता तो आज वहां पे इस तरह की स्थितियां ना पैदा होती जो आज वहां पैदा हो रही है। तो इस बातों को समझना पड़ेगा। इसीलिए सरकार अगर चाहती है कि पूरे देश के कोने कोने में कहीं मणिपुर ना बने, तो उसको ये आवश्यक है कि धर्मांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, या धर्मांतरण को इतना सख्त कर दिया जाए कि जो धर्मांतरण करने जा रहा है उसे पूछा जाए, भाई कि तुम बताओ तो धर्मांतरण करने जा रहे हो किसी धर्म के विषय में, तो बताओ फलाने धर्म की फलाने पुस्तक फलाने अध्याय में क्या लिखा हुआ है। जब वो बता दे तो उसका मतलब समझ चुका है धर्म को, वो तो उसको धर्मांतरण कर दो। नहीं तो जो चावल की आटे की बोरी लेकर के धर्मांतरण जो करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये सब पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और घर वापसी, यानी कि घर वापसी में कोई दिक्कत नहीं, घर वापसी तो सनातन धर्म में वापसी है, शांति का धर्म है, जो सबसे महान धर्म है, उस धर्म में अगर कोई वापसी करना चाहता है, घर वापसी करना चाहता है, तो उसका पूरा स्वागत होना चाहिए, उसको पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मित्रों इसके अलावा अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मामले की। मित्र मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रवेश शुक्ला का सीधी जिले का जो कांड था पूरा, जिसमें कि एक प्रवेश शुक्ला ने नशे में आकर के सिगरेट पीते हुए एक आदिवासी समाज के युवक पर जो है मूत्र विसर्जन किया, तो ये घटना, इस घटना के बाद तो आप जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने उस युवक के चरण धो करके और उसका पानी को अपने माथे से भी लगाया, ये तस्वीर भी आई। तो एक तरफ तो आप देखिए एक मौलाना है,
उनके यहाँ पे कोई भी गुंडा भी अगर होता है तो वो सोचता है कि लव जिहाद करके जो है धर्म मजहब की सेवा की जाए उनके वहां पे। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर कोई ब्राह्मण भी है तो जो ये प्रवेश शुक्ला है, ये नाम का तो ये ब्राह्मण व्यक्ति है, लेकिन ये शराब के नशे में था, यानी शराब पीना वैसे ही गलत है, वो शराब उसने पी। बहुत से लोग आजकल ब्राह्मण जो है वो शराब पीते हैं, मीट मांस खाते हैं। तो आप सोचिए कि इस घटना से कितना झटका लगा हिंदू समाज के अंदर, क्योंकि जो विरोधी लोग हैं उन्होंने इन घटनाओं को वायरल करके, इस वीडियो को वायरल करके, एक तरह से शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो चल रही है, जो नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है, उसमें कांग्रेस पार्टी की मदद करने की भरपूर कोशिश की। तो आखिर एक तरफ वो मौलाना है जो अपने मजहब की सेवा कर रहा है, और एक तरफ यहां पे एक प्रवेश शुक्ला जैसा एक व्यक्ति है जो ब्राह्मण वर्ग से आता है और जो कि इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। तो आज इस मौके पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर हमारे जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो पहले कैसे हुआ करते थे। मित्रों, इस संदर्भ में इतिहास की किताबों को अगर हम खंगालें, हालांकि मैंने पहले भी एक बार ये कथा सुनाई है आपको, लेकिन मैं फिर भी जागरूकता के लिए फिर से एक बार ये कथा आपको सुनाना चाहता हूं। ये तैमूर लंग, एक किताब है तैमूर लंग की, आप बीती तैमूर लंग, और इसको लिखा है संजना कौल ने। और इस किताब के मित्रों, इस किताब के पेज नंबर 407, पेज नंबर 416, पेज नंबर 425 और पेज नंबर 511 पर एक ब्राह्मण का जिक्र मिलता है। और वो जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण ने अपनी विद्वत्ता से, अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, एक तरह से अपनी भविष्यवाणी से तैमूर लंग को भी डरा दिया था, तैमूर लंग को भी सहमा दिया था। कैसे एक वो जो एक ब्राह्मण के सामने, जिसके पास कोई शस्त्र नहीं था, उसके सामने एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी किस्म का एक बादशाह तैमूर लंग कैसे नतमस्तक हो गया था, ये पूरी कहानी तैमूर लंग ने अपनी जीवनी में खुद बताई है। और एक किताब मैंने आपको जो दिखाई, आप बीती तैमूर लंग। तो ये क्या घटना थी, इस घटना के बारे में हमको जानना चाहिए। तो जितनी ये पूरी कहानी है, ये जो पूरी सत्य घटना है, इसका मैं पूरा जिक्र करना चाहूंगा। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेगा इस पूरे मामले को, क्योंकि ये ध्यान से सुनेगा इसलिए क्योंकि ये हमारे इतिहास के वो दस्तावेज है जो हमको प्रेरणा देते हैं कि हमको आगे क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने आप में सुधार करना चाहिए, हमारे धर्म की रक्षा कैसे होगी, ये हमको वो प्रेरणा देते हैं, इसलिए मैं आज इसका जिक्र कर रहा हूं। और पेज नंबर 407, पेज नंबर 407 की घटना में बताते हैं कि तैमूर लंग जो था, उसने जब 1398 ईस्वी में दिल्ली पर हमला किया, तो दिल्ली का जो किला था, उस दिल्ली के किले पर एक लाल वस्त्र पहना हुआ एक ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो आकर के खड़ा होता है। वो दिल्ली के एक बहुत बड़े, तैमूर लंग लिखता है कि वो दिल्ली के एक बहुत बड़े मंदिर का पुजारी था, और उसने पुकारा कि तैमूर लंग मेरी बात सुनो। तो तैमूर लंग ने अपने दुभाषियों को वहां पर भेजा, और तैमूर लंग ने उससे पूछा कि ब्राह्मण तुम क्या चाहते हो। तो इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर तुम दिल्ली पर हमला करोगे तो तुम्हारी जो उम्र है वो 14 साल घट जाएगी, लेकिन अगर तुम दिल्ली पर हमला नहीं करोगे तो तुम जो है पूरे 21 साल तक जियोगे। यानी कहने का मतलब ये था, उस ब्राह्मण ने ये कहा तैमूर लंग से कि अगर तुम दिल्ली पर हमला करोगे तो तुम सिर्फ 7 साल और जीवित रहोगे। तो मित्रों, मैंने जब इस जीवनी को पढ़ रहा था, उसी वक्त मैंने तुरंत जो है इंटरनेट पर खंगाला और दस्तावेज देखे, किताबें देखी, तो वाकई में ये बात सच थी कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। और जैसा कि उस ब्राह्मण ने कहा था कि अगर तुम दिल्ली पर हमला करोगे तो तुम 7 साल में मर जाओगे, और वाकई में 1405 ईस्वी में तैमूर लंग की मौत हो गई, और तैमूर लंग को इसका आभास भी हो गया था। कहानी आगे और सुनिए, कहानी बहुत दिलचस्प है, ये सत्य कथा है, कहानी तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। तो 416 नंबर पेज पे वो ब्राह्मण दोबारा आता है एक बार, और ब्राह्मण कहता है तैमूर लंग से कि तैमूर लंग तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम हमला कर रहे हो दिल्ली के ऊपर, तुम्हारी उम्र तो घट ही जाएगी, लेकिन तुम्हें एक बहुत बुरी खबर मिलने वाली है। और इसके बाद वो ब्राह्मण चला जाता है। फिर तैमूर लंग को खबर मिलती है कि उसके बेटे साद वकास की भारत के अंदर लोनी किले में लड़ते हुए मौत हो गई। और मित्रों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा एक और संक्षिप्त सी बात कि तैमूर लंग एक बहुत दुर्दांत हत्यारा था, उसको खून देखकर उसको मजा आता था, और उसने पूरे देश में, पूरे दुनिया में बेरहमी मचा रखी थी, कतलेआम मचा रखा था, उसे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। लेकिन भारत के अंदर लोनी किले में लड़ता हुआ एक करतार नाम का कोई सेनापति था, उसका जिक्र पूरा करतार नाम से आता है, उसने, करतार ने तैमूर लंग के बेटे को मारा था, और उसके बेटे साद वकास को मार करके उसकी खाल निकाल करके उसकी खाल में भूस भर दिया था।
ये जो भूस भरने का मुहावरा बड़ा फेमस है ना कि भूस भर देंगे वेस्ट यूपी में, ये मुहावरा वहीं से निकला कि भूस भर देंगे। तो ये भूस जो है ना, ये तैमूर लंग के बेटे साद वकास के खाल को खींच करके भूस भरने का काम जो है वो करतार ने किया था। ये इस घटना का जिक्र भी जो है तैमूर लंग ने अपनी जीवनी में किया होगा। तो जब उसको बुरी खबर मिल जाती है कि हाँ उसके बेटे की मौत हो गई है, तो उसके बाद तैमूर लंग बहुत दुखी होता है। तो वो ब्राह्मण फिर दोबारा आता है एक बार, और फिर वो ये तैमूर को कहता है कि मैं तुमसे कहा था कि तुमको बुरी खबर मिलेगी और तुमको बुरी खबर मिली है, अभी भी समझ जाओ, अगर तुम दिल्ली पर हमला करोगे तो तुम्हारे तुम सिर्फ 7 साल और जियोगे। लेकिन इसके बाद ही मित्रों माना नहीं, क्योंकि बहुत ही जिहादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था एक तैमूर लंग, बहुत जिहादी था। उसको काफिरों का कत्ल करना उसके जीवन का मकसद था, और काफिर मतलब उसके लिए हिंदू, यही सब उसके लिए काफिर थे। तो तैमूर लंग ने ये माना नहीं, इसके बाद भी उसने हमला किया, और जब वो हमला कर देता है तो बहुत से लोगों को किडनैप कर लेता है। तो जब वो किडनैप कर लेता है तो पेज नंबर 425 पर जिक्र मिलता है कि उस किडनैपिंग में जो है वो ब्राह्मण भी किडनैप हो जाता है। तो जब ब्राह्मण को कैद कर लेता है तो ब्राह्मण को बुलाता है, वो ब्राह्मण से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि मेरा नाम गानी होरता है। तो गानी होरता का मतलब क्या हुआ, मतलब मैं समझता हूं कि वो समझ नहीं पाया होगा, गानी होरता लिखा उसने, ज्ञानी होत्र नाम होगा ब्राह्मण का। तो ज्ञानी होत्र जो ब्राह्मण थे उनसे पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो कहना अब मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि तुम दिल्ली पे हमला करोगे, तुम्हारी उम्र घट जाएगी, तुम्हारी उम्र घट चुकी है, अब तुमसे 7 साल और जीवित रहोगे। तो तैमूर लंग ने यह कहा कि तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाऊंगा। फिर ब्राह्मण ने कहा कि तुम युद्ध में लड़ते हुए नहीं मरोगे, तुम मरोगे बीमारी से, तुम मरोगे खटिया पर चारपाई पड़े पड़े मरोगे तुम। तो जब उसने ये बात कही तो उस समय तैमूर लंग ने गुस्से से बोला कि कभी तुम मेरे बारे में कुछ कहते हो, कभी तुम मेरे बारे में कुछ कहते हो, तुम कैसे ये दावा करते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, कि तुम भविष्यवाणी कर रहे हो हमारे बारे में। तो ब्राह्मण ने ये कहा, और ब्राह्मण ने जो कहा वो मैं आपको बिल्कुल नीचे वर्ल्ड बाय वर्ल्ड किताब से पढ़ना चाहता हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वही संदेश भी है मेरे इस वीडियो का। पेज नंबर 426 पर लिखा है कि अमीर, ब्राह्मण पूछता है कि अमीर क्या तू मेरी बात से डर गया था? तो तैमूर लंग कह रहा है कि मैंने जवाब दिया, अगर तुझे मेरे बारे में मालूम होता तो समझ जाता कि मुझे मौत का डर नहीं है, खास तौर पर लड़ाई के मैदान में होने वाली मौत का डर नहीं है। तो ज्ञानी होता बोला, ज्ञानी होत्र बोला कि वीर पुरुष तू लड़ाई के मैदान में नहीं मरेगा। मैंने कहा, यानी कि तैमूर लंग ने कहा कि तूने एक बार तो यह कहा कि मैं 7 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, अब तू कह रहा है कि मैं लड़ाई के मैदान में नहीं मरूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि तेरी ये भविष्यवाणियों का किस आधार पर है? ज्ञानी होत्र ने जवाब दिया, वीर पुरुष इस देश में सबको मालूम है कि एक ब्राह्मण जिसने जीवन भर इंद्रिय निग्रह से काम लिया, हिंसा और वासना से दूर रहा, परम ब्रह्म के बताए रास्ते को नहीं छोड़ा, उसमें इतना ज्ञान और योग्यता आ जाती है कि वह भविष्य को देख सकता है। तो ये जो पूरी घटना है, यानी जो ब्राह्मण है वो ये कह रहा है कि हमें इंद्रिय संयम करना चाहिए, और नशा ये जो आप कर रहे हैं, ये कोई लोग बहुत से ब्राह्मण नशा कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे बहुत से मैंने ब्राह्मण देखे हैं जो कि शाकाहारी हैं पर उनमें कोई बल पौरुष में कोई कमी नहीं है, ऐसा ये इसका कोई मतलब नहीं है कि मीट खाता है तो कोई ज्यादा बल पौरुष होता है। तो इस पूरी किताब में देखा जाए तो पेज नंबर 511 पर एक बार लास्ट में भी इस ब्राह्मण का जिक्र आता है। दरअसल तैमूर लंग जो है वो अपने उसका जो उस्ताद होता है बचपन में, जिसने उसको कुरान सिखाई थी, उसका नाम अब्दुल्ला कुतुब होता है। तो अब्दुल्ला कुतुब जो है वो सपने में आता है तैमूर लंग के, और तैमूर लंग के सपने में आकर के रोना शुरू कर देता है। तो तैमूर लंग सपने में उससे पूछता है अब्दुल्ला कुतुब से कि भाई क्या मैंने तुम्हारे बच्चों को वेतन नहीं दिया, क्या मैंने तुम्हारे लिए सेवा नहीं की, तुम रो क्यों रहे हो? तो उस पर अब्दुल्ला कुतुब ये कहता है कि मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम अब सिर्फ 3 साल और जीवित रहोगे। तो तैमूर लंग सपने में हिसाब लगाता है कि 3 साल मतलब कि ब्राह्मण ने जो कहा था वो सही होने जा रहा है। तो जैसे ही वो ब्राह्मण को की घटना बताने के लिए अब्दुल्ला कुतुब को बोलता है कि मुझे एक ब्राह्मण ने ऐसा कहा था, वैसे ही सपना टूट जाता है। और उस किताब में इसके बाद मतलब पूरी किताब में देखा जाए तो जब वो ब्राह्मण से मुलाकात करता है उसके बाद से उसके अंदर एक डर बैठ जाता है तैमूर लंग के अंदर कि मुझे सिर्फ 7 साल और जीवित रहना है। वो हर पल जब भी उसके सामने कभी मौत होती है तो वो सोचता है कि मेरी मौत आ जाएगी क्योंकि ब्राह्मण ने कहा था कि मुझे 7 साल और जीना है मैं। और तो ये उस ब्राह्मण की तपस्या का परिणाम था, ये उस ब्राह्मण की संकल्प का परिणाम था, ये उस ब्राह्मण की योग्यता थी। और वो योग्यता कहां से आई, अब मैं यहां पर महत्वपूर्ण बात सुनी है, वो इसलिए आई क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो हमारी संस्कृति का मूल आधार है।
जो ब्राह्मण होते थे पहले वो तीन टाइम की त्रिकाल संध्या किया करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे और उसमें वो गायत्री मंत्र का जाप करते थे। गायत्री मंत्र का जाप करने से ही उनके अंदर इतनी प्रतिभा थी, इतना कौशल था कि वो यहां से इतना बड़ा मतलब कि 1000 सालों की गुलामी से भी वो अपने धर्म को बचा करके ले आए। तो उसकी जो प्रमुख वजह है वो एक तो हमारी कहानियां है, हमारे धर्म ग्रंथ है, और दूसरी गायत्री माता है, गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र में ही इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो हिंदुओं को इतना शक्तिशाली बना दे कि वो पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, विश्वास है। लेकिन समस्या यह है कि हम जो है अपनी संस्कृति को जानते नहीं है। गंगा, गायत्री और गीता, ये हमारे श्री आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जो जिनको मैं अपने गुरु की तरह मानता हूँ, उनके वचन है कि गीता, गंगा, गायत्री ये तीन प्रमुख आधार हैं जिनसे कि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा हो रही है और हमको इन तीनों पर जरूर काम करना है। तो हमको गायत्री मंत्र के ऊपर सबको, जो लोग भी वीडियो सुन रहे हैं चाहे वो किसी भी जाति के हो, सब लोग गायत्री मंत्र को जरूर जाप किया करें, सुबह उठ के 2 माला करें 3 माला करें, इससे आपके सारे काम अच्छे होंगे। इसके अलावा आपके अंदर आत्मबल आएगा, आपके अंदर शक्ति आएगी, और आपके अंदर शक्ति आएगी तो आप अपने धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य कर सकेंगे। इसीलिए जो मेरा मैसेज है, हिंदू धर्म को बचाना है अगर, तो आप सबको धर्म में निवृत्त होकर के गायत्री मंत्र का जाप आपको सबको जरूर करना चाहिए। मित्रों, इसी संदेश के साथ मैं अपने वीडियो का समापन करता हूं। मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।